Good afternoon, students. Today we are going to read the importance of tense. It is the remedial class for class 9, 10th, 11th, 12th. Some class 11th, 12th student might think that why we are read the tense? Because tense is very easy. They have read in their previous classes. But I would say that tense is very important. It is the first step to reach the top. And without the common grammar, we cannot use the toughest grammar. Though you can read the narration and the different of causative verbs that you read in the class 12th, but all this to read, you need to understand the tense. That's why I have chosen the first step, that is the tense. तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे हैं. 9, 10th के बच्चों के लिए ये वेरी कॉमन सब्जेक्ट है. 11, 12th ऑल्सो उनके लिए भी है कॉमन, बट वे थोड़ा जानते हैं कि टेंस के बारे में क्या है, क्या पढ़ना है, कितने प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं. लेकिन मैं टेंस के डिटेल स्टडी करने से पहले मैं चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस को जान लें. बिकॉज without purpose we do not do anything. If we pray to God, there is also purpose. If we go to the market, there is also purpose behind. That's why what is the purpose behind, what is the importance of tense, we should understand first. To bina hum uske fayde jane bachcho ke mann mein aata hai kyun padhe tense ko. Agar hum khelne bhi jate hain to बच्चों को लगता है ये खेल से एंजॉयमेंट होगा, एम्यूजमेंट होगा. तो टेंस के इंपॉर्टेंस को जानना हमारे लिए जरूरी है. एंड दिस इज द फॉर द रिमेडियल क्लास, उपचारात्मक क्लास है ये. तो बच्चे जो अभी टेंस से बहुत ज्यादा समझते नहीं है, टेंस से बहुत दूर हैं, और जो ग्रामर को बर्डन समझते हैं, वो उसकी उपयोगिता को समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, तो बिल्कुल उस चीज को फिर समझेंगे तो फिर वो उसको याद करेंगे और उसका उपयोग करेंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फर्स्ट पर्पस ऑफ टेंस, सबसे पहले कोई बता सकते हैं कि हम टेंस को क्यों पढ़ें? यस करेक्ट. सबसे पहली बात यह है कि टेंस हमको पढ़ना है कि भाई अभी क्लास 9 10th में टेंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला पर्पस तो सबसे पहली बात है ना, क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर में टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पहला उद्देश्य हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस में कि भाई हम वो दूर की बात है कि हम वॉयस नरेशन वो अलग बात है, हायर ग्रामर को पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले हमको टेंस रिलेटेड क्वेश्चन लाइक दैट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ग्रामर के लिए बहुत जरूरी है. बिना टेंस जाने हम इम्फैटिक सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, बिना टेंस जाने हम क्वेश्चन टैग नहीं बना पाएंगे. वो अलग बात है कि मैं हम बोलचाल के लिए भी टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, हमारा बोलचाल के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, बोलते हैं मानते हैं, वो उनके लिए है जिनके पास एटमॉस्फेयर इंग्लिश का रहता है, जो हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इंग्लिश में, जैसे कि हम हिंदी में करते हैं. हिंदी के लिए हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, कौन से टेंस में बोलूं. बस जिनके पास इंग्लिश का एटमॉस्फेयर है, जो रेगुलर इंटरेक्ट होते रहते हैं इंग्लिश में, उनके लिए अभी टेंस की आवश्यकता नहीं है, ग्रामर की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इन अवर सोसाइटी, इन अवर लोकैलिटी वेयर वी रीड एंड स्टे हेयर, वी लीव हेयर, अवर कम्युनिकेशन इन द लोकल लैंग्वेज, इन हिंदी और छत्तीसगढ़ी, इजंट इट? सो हमको ग्रामर को सीखना है, टेंस को जानना है, ताकि जब भी हम कभी कुछ बोले, बात करें, कॉन्फिडेंट रहें कि हमने जो कहा वो ग्रामेटिकली सही है. हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में भी हम सोचते नहीं रहते हैं कि मैं प्रेजेंट टेंस में बोलूं कि पास्ट टेंस में बोलूं, फ्यूचर टेंस में बोलूं.
इंग्लिश में हमको थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि हमको उसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं रहता है. सो फॉर द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेंस. तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस में हमने सबसे पहले देख लिया कि कम से कम कक्षा 9वीं 10वीं में टेंस रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए, दूसरा इम्फैटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे. दूसरा इंपॉर्टेंस देखें कि हमको कम्युनिकेट करने के लिए टेंस का यूज करना है. तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि हायर ग्रामर को, जैसे नरेशन पढ़ना हुआ तो नरेशन के लिए भी हमको टेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है. जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, टेंस नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको कन्वर्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. वॉयस चेंज करने के लिए, इफ यू डोंट नो द वॉयस, सो वॉयस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ टेंस. मीन्स हेयर वॉयस में अपोजिट इज नॉट टेंस, बट हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. तो हम टेंस को जानेंगे अच्छे से, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि किस टेंस से रिलेटेड है, तो उसका वॉयस किस प्रकार से चेंज किया जाए. इज दैट क्लियर? आई थिंक ओके. नाउ दिस इज द बोर्ड. हम जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. आई हैव रिटन हियर आल्सो टाइम आल्सो. नाउ क्वेश्चन में अराइज, व्हाई हैव रिटन हियर फ्यूचर टेंस एंड टाइम? दो इन अवर बुक यू ऑलवेज सी दैट देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बट आई हैव मेंशन हियर टाइम आल्सो. फॉर द रीजन बिहाइंड इट दैट इन इंग्लिश फ्यूचर को टाइम में रखा गया है. ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं. एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. वर्ब के लिए प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल फ्यूचर नहीं है. दैट्स व्हाई फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, फ्यूचर इज अ टाइम. हम फ्यूचर को इन्हीं प्रेजेंट के माध्यम से ही शैल, विल, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब ऐड करके इस प्रेजेंट के वर्ब से ही हम फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस को डिनोट करते हैं. फ्यूचर के लिए अलग से वर्ब का कोई अलग से फॉर्म नहीं बना हुआ है. जैसे गो, वेंट, गॉन. गो जो है प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, वेंट जो है पास्ट टेंस को दर्शाता है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है. गॉन इज नॉट अ फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं है. हम फ्यूचर टाइम को दर्शाने के लिए शैल विल लगा के हम प्रेजेंट के साथ ही यूज करते हैं. सिमिलरली फ्लाई, फ्यू, फ्लोन. फ्लाई, फ्यू, फ्लोन. Flies denotes the present, flew denotes the past tense, and flown is the past participle. I will tell you later on in any video what is the past participle. इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. मैंने कहा हायर स्टडीज के लिए, हायर ग्रामर के लिए ये बेसिक है टेंस को जानना. इसके जाने बिना हम पास्ट पार्टिसिपल को भी नहीं समझ पाएंगे. मेरे ख्याल से बेसिक जो चीज है, टेंस के तीन प्रकार हो गए, शायद सबको याद भी हो गया होगा और या फिर जानते भी थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इतना जान के रखते हैं. अब तीनों को हम चार भागों में फिर से बांट सकते हैं. अगर व्हाइट बोर्ड में ध्यान देंगे, पहला लिखा हुआ है इनडेफिनिट टेंस. इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं. इनडेफिनिट को हम सिंपल. सेकेंड है कंटिन्यूअस टेंस. इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं.
नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पर क्वेश्चन आया कि सिंपल टेंस में चेंज करो या प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज करो, हम इसको हमको मालूम होना चाहिए कैसे किस प्रकार से एक दूसरे में चेंज करते हैं। अब जैसे हम प्रेजेंट को लेते हैं, तो अगर प्रेजेंट को भी हम चार भागों में बांटेंगे, पास्ट को भी हम चार भागों में बांटेंगे और फ्यूचर को भी चार भागों में। जैसे प्रेजेंट को हम इसके सामने लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम पास्ट को लेते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर को लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑल दिस टेंसेस। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास तीन टेंस और तीनों टेंस के चार भाग हो गए तो टोटल हमारे पास 12 प्रकार के हमारे पास टेंस हो गए। अगर हम इसको माइन्यूटली अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, स्टडी करें तो क्या डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल अच्छे से हम समझ जाएंगे। हम स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। जब इसके साथ में प्रेजेंट जुड़ जाता है, पास्ट जुड़ जाता है, फ्यूचर जुड़ जाता है, तो एज अ सेंस उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। केवल स्ट्रक्चर को समझना या स्ट्रक्चर को याद कर लेना काफी नहीं है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूं कि कम से कम स्ट्रक्चर याद करके हम आने वाले एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलो या नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलो या एम्फैटिक सेंटेंस बनाओ या क्वेश्चन टैग जोड़ो, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हमको अगर स्ट्रक्चर्स याद हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम पासिंग मार्क बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेंस के लिए बता रहा था कि हमको स्पोकन के लिए इसके भाव को जानना चाहिए, इसके एब्स्ट्रैक्ट को समझना जरूरी है, इसके सेंस को जब समझना जरूरी है कि इंडेफिनिट किस चीज को बताता है, कंटिन्यूअस किस चीज को बताता है, परफेक्ट किस चीज को बताता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस किस चीज को बताता है, और इनके साथ जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जुड़ जाता है तो क्या डिफरेंट सेंस निकलता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग के साथ क्या हो रहा है कि हमने केवल स्ट्रक्चर को रट लिया है और सेंस को हमने इसको नहीं समझा अच्छे से। इसकी वजह से हम जो है एज ग्रामर बहुत अच्छे होते हैं रिटन में, लेकिन जब स्पोकन की बात आ जाती है, क्योंकि हमारे पास सेंस नहीं है, हमने उस चीज को सेंस को नहीं स्टडी किया अच्छे से, इसलिए हम स्पोकन में हम रुक जाते हैं। हमसे किसी को स्ट्रक्चर पूछे, हम टेंस के, वॉइस के, नरेशंस के सारे स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन जब इंटरेक्शन की बात होगी, स्पोकन की बात होगी, तब चूंकि हम हैबिचुएटेड नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमने केवल रटा हुआ है, उसके सेंस को नहीं समझे हैं, इसलिए हम उसको नहीं बोल पाते हैं। इसलिए हमको स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके सेंस को समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास से वन से लेकर और यू कैन से फ्रॉम 6th to 8th यू हैव रेड द स्ट्रक्चर्स, बट आई विल टेल यू अगेन द स्ट्रक्चर्स एज वेल एज द सेंस। अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हम इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कह रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, सिंपल मतलब साधारण। जब मैं क्या कहता हूं कि कोई चीज अनिश्चित है, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, जैसे मैं क्या कहता हूं मैं खाना खाता हूं, वह स्कूल नहीं जाता है, ये कोई डेफिनेट चीज नहीं है, ये इनडेफिनेट है। खाना खाता हूं, सब खाते हैं, सिंपल है ये। अगर मैं कह दूं कि मैंने खाना खा लिया है तो वो डेफिनेट हो जाता है,
इस भाव को, इस सेंस को बहुत समझना जरूरी है। तो ऐसे कोई से भी सेंटेंसेस अगर वो इनडेफिनिट है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, बारिश होती है, इनडेफिनिट चीजें हैं, होती हैं, तो इस प्रकार के चीजों को, इस प्रकार के भाव वाले, इस प्रकार के सेंस को हम इनडेफिनिट के अंतर रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो। इसी प्रकार कंटिन्यूअस में होता है कि जो चीज अभी लगातार जारी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, आपको समझ रहे ना, जो चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में है उसको हम कहते हैं, जो लगातार जारी है अभी, तो उसको कंटिन्यूअस फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में अगर होने का कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे मैं कहूं कि बारिश हो रही है, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस अभी कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक स्प्रेड है, फैला हुआ है, वैक्सीनेशन का दौर जारी है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो इस प्रकार जब कंटिन्यूअस फॉर्म होता है तो उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं या कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट टेंस में भी रख सकते हैं, फ्यूचर में भी। उसी पर परफेक्ट, कोई चीज पूरा हो गया है तो हम उसमें क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो ऐसे ऐसे चीजों को हम जहां परफेक्ट हो गया उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक नाम से स्पष्ट है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, इसी परफेक्ट को इस कंटिन्यूअस दोनों का यूज किया गया है। ये कब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब किसी काम जो पहले किसी समय से स्टार्टिंग हो चुका है अभी भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस खाली कंटिन्यूअस हमने देखा कि जो अभी जारी है, और परफेक्ट मैंने हमने देखा कि काम का पूरा हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि काम पहले किसी समय से, निश्चित समय से शुरू होकर अभी भी वो जारी है, कंटिन्यूअस है, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे मैं कहूं कि वो 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो किसी समय से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी कंटिन्यूअस है। खाली मैं अगर कहूं अंग्रेजी पढ़ रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, लेकिन मैं किसी समय के साथ उसको परफेक्ट बनाते हुए कहता हूं कि वो 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, या वो शाम से गणित बना रहा है, या वह कल दोपहर से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड एंड यू कैन अंडरस्टैंड बाय वॉचिंग माई वीडियोज। रिमेनिंग पार्ट आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस, ओके? सो लेटर ऑन I will start you in the next video, the present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, and this structures with examples. So students, we will meet the next video. Thank you very much.